हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बसंत एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं अविक्षा एंटरप्राइज का एक प्रीमियम हैवी ड्यूटी ट्रॉली जो रिसेंटली मैंने अभी अमेजोन से परचेज किया है अपने IFB 9 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए। और अगर आपको IFB फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का इंस्टॉलेशन एंड डेमो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अनबॉक्स करना और देखते हैं इसका अंदर का कंटेंट क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इस हैवी ड्यूटी ट्रॉली को परचेज करने से पहले मैंने काफ़ी ट्रॉलीज के रिव्यूज़ अमेजोन पे पढ़े और फिर जाके मैंने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे एक हैवी ड्यूटी स्टैंड विद ट्रॉली चाहिए था जो कि मेरे IFB फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का वेट संभाल सके। क्योंकि यार, उसका जो वेट है समथिंग अराउंड 80 से 85 kg है। और इस ट्रॉली के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये कम से कम 200 kg तक का वेट संभाल सकता है, और इसके साथ वैसे भी 8 एक्स्ट्रा लेग्स भी आ रहे थे और साथ में 4 टायर्स भी, तो जिसके लिए मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता था कि मैं अपने वॉशिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकूं। और स्टेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं था कि इशू नहीं होगा, जिससे कि स्टैंड है 8, इसके साथ जो स्टैंड आते हैं एक्स्ट्रा लेग्स आते हैं तो वो उसको क्या है कि मजबूती देता है। तो फ्रेंड्स, ये है इसके बॉक्स का अंदर का कंटेंट। तो पहली बार जब मैं अभी इसको छू रहा हूँ और इसको उठा रहा हूँ तो काफ़ी भारी लग रहा है। तो छूने में लग तो रहा है कि ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया, क्योंकि बहुत हैवी लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद पता चलेगा कि ये कितना हैवी ड्यूटी है और मेरे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का वेट संभाल पाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है ट्रॉली तैयार। इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, आराम से आप कोई भी कर सकता है। बस आप अपने वॉशिंग मशीन के लेंथ और विड्थ को, बेस का जो लेंथ और विड्थ है उसको आप थोड़ा नाप लीजिएगा, और नाप के उसके बाद इसको एडजस्ट करके उसी लेंथ में आप इसको सेट कर लीजिएगा। और इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि साथ में इसमें आपको ये देख रहे हैं जैसे कि आप इसको लेवल करना आसानी रहता है, कि ताकि आप ग्राउंड में जब आप रखें तो इसको आप लेवल करके आराम से रख सकते हैं, कि ताकि कोई ऊपर नीचे ना रहे। तो अब इसका मेन टास्क शुरू होता है कि वॉशिंग मशीन को इसके ऊपर रखना, जो कि वॉशिंग मशीन बहुत ही हैवी है। तो अभी हमने सेट कर लिया है ये ट्रॉली जो हमने IFB मशीन के लिए लिया हुआ है, जो कि है कम से कम 85 kg का। तो अब देखते हैं कि अब इसको हम दोनों भाई मिलके इसको उठा के इस पर रखना है, तो ये भी एक टास्क है। तो देखते हैं, पता चल जाएगा कि कितना मजबूत है ये। तो चलो उठाते हैं, देखते हैं। लेक्सी इसको हमने इसके साइज के हिसाब से सारा कुछ रख दिया है, इसको सेट कर दिया है। तो अब देखते हैं इसको उठा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल उठाना बड़ा टास्क है। चल रेडी, 1 2 3 दोनों हाथ से ही करना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक है। इसको उठा के यहीं से आगे से उठा आगे से उठा के फिर वो करना पड़ेगा। और आगे से तो उठा, आगे से पकड़, इधर 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 साइड 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 से उसके उसके ऊपर मत रखना है। हाँ चल बस। तो फाइनली गाइस, ये हो गया है सेट हमारा ट्रॉली जो हमने अभी रिसेंटली परचेज किया है अपने IFB 9 kg जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है उसके लिए। और अब देखते हैं कि ये ट्रॉली लगाने के बाद कितना इसमें वाइब्रेशन होता है और कितना स्टडी रहता है। होपफुली अभी हमने इसके जो टोटल 8 जो ये जो आपको दिख रहे हैं स्टैंड, 1 2
और ऐसे ही पीछे और हैं, तो टोटल मिला के 8 है। तो ये इससे क्या है कि और ज़्यादा मजबूती आ गई है, और हमने टायर में लगा दिया है ब्रेक ताकि ये इधर उधर होना। और फिलहाल तो स्टडी लग रहा है, हिला के भी हमने देख लिया, हिल नहीं रहा, अच्छा है। बाकी देखते हैं कि अभी वाइब्रेशन का बस एक है कि जब वॉशिंग मशीन चलेगा उसके बाद कितना वाइब्रेट होता है तब पता चलेगा। तो ओवरऑल तो मुझे इसकी मजबूती तो सही लगी, अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा क्या है। अभी हमने इसको ट्रॉली से खींचा भी था इसका टायर, तो वह आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। तो बाकी मैं इसका हो सके तो एक बार वाइब्रेशन, जब वॉशिंग मशीन चलेगा तो उसके बाद का मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वाइब्रेट हो रहा, कितना वाइब्रेट हो रहा है। और तो गाइस ये है स्टैंड लगने के बाद का वीडियो, अभी वॉशिंग मशीन ड्रायर मोड में है तो ड्राई कर रहा है ये मशीन, और देख सकते हैं कि आप साउंड से कि ये ड्राई चल रहा है इसका, और अभी ये वाइब्रेट हो रहा है बट उतना ज़्यादा नहीं है, स्टेबल है। और स्टैंड की क्वालिटी के से अगर कंपेयर करें तो मतलब स्टैंड ने काफ़ी अच्छा अपने आप को प्रूव किया है, स्ट्रॉन्ग है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वॉशिंग मशीन हिल नहीं रहा, तो ओवरऑल लुक्स गुड। तो चलिए आई थिंक अभी तक तो सही लग रहा है ये, ओवरऑल गुड। अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।